हमारे प्रिय भाई बहनों को यीशु मसीह के नाम से हमारा नमस्कार। आज बाइबल वचन के समय के लिए आप सबों का हम स्वागत करते हैं। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्यारे पिता परमेश्वर, हम कितने भाग्यशाली हैं कि स्वर्गीय परमेश्वर अपने मन की बात इस पवित्र शास्त्र के जरिए हमें प्रकट करता है। हाँ प्रभु, परमेश्वर का दिल की बातें हम इस बाइबल के द्वारा जान लेते हैं। वैसे जानकर उसके अनुसार चलने के लिए हम सबों को कृपा कर, यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता, आमेन। आज यहोशू 15 अध्याय से पढ़ने वाले हैं। यहूदियों के गोत्र का भाग उनके कुलों के अनुसार चिट्ठी डालने से एदोम की सीमा तक और दक्षिण की ओर सीने के जंगल तक जो दक्षिणी सीमा पर है ठहरी। उनके बाग की दक्षिणी सीमा खारे ताल के उस सिरे वाले कोल से आरंभ हुई जो दक्षिण की ओर बड़ी है और वह अक्रबीम नामक चढ़ाई के दक्षिणी ओर से निकलकर सीन होते हुए कादेश बरने के दक्षिण की ओर को चढ़ गई, फिर एज्रोन के पास हो अधार को चढ़कर करका की ओर मुड़ गई। वहां से अमोन होते हुए वह मिस्र के नाले पर निकली और उस सीमा का अंत समुद्र हुआ। तुम्हारी दक्षिणी सीमा यही होगी, फिर पूर्वी सीमा यर्दन के मुहाने तक खारा ताल ही ठहरी और उत्तर दिशा की सीमा यर्दन के मुहाने के पास के ताल के खोल से आरंभ करके बेदोकला को चढ़ते हुए बेतराबा की उत्तर की ओर होकर रुबेनी बोहन नामक पत्थर तक चढ़ गई और वही सीमा आकोर नामक तराई से दबीर की ओर चढ़ गई और उत्तर होते हुए गिलगाल की ओर झुकी जो तराई के दक्षिणी ओर की आदुमीम की चढ़ाई के सामने है। वहां से वह यनशमेश नामक सोते के पास पहुंचकर येन रोहेल पर निकली, फिर वही सीमा हिन्नोम के पुत्र की तराई से होकर यबूस जो यरूशलेम कहलाता है के दक्षिण की ओर से चढ़ते हुए उस पहाड़ की चोटी पर पहुंची जो पश्चिम की और हिन्नोम की तराई के सामने और रफाइम की तराई के उत्तर वाले सिरे पर है। फिर वही सीमा उस पहाड़ की चोटी से नेप्तो नामक सोते को चली गई और एप्रोन पहाड़ के नगरों पर निकली, फिर वहां से बाला को जो किरियात यारीम भी कहलाता है पहुंची, फिर वह बाला से पश्चिम की ओर मुड़कर सेईर पहाड़ तक पहुंची और यारीम पहाड़ जो कसालोन भी कहलाता है उसके उत्तरी ओर से होकर बेतशेमेश को उतर गई और वहां से तिमना पर निकली। वहां से वह सीमा एक्रोन के उत्तरी ओर के पास होते हुए शिकरोन गई और बाला पहाड़ होकर यबनेल पर निकली और उस सीमा का अंत समुद्र का तट हुआ और पश्चिम की सीमा महासमुद्र का तट ठहरी। यहूदियों को जो बाग उनके गुलों के अनुसार मिला उसके चारों ओर की सीमा यही हुई। यपुने के पुत्र कालेब को उसने यहोवा की आज्ञा के अनुसार यहूदियों के बीच बाग दिया, अर्थात किर्यत अरबा जो हेब्रोन भी कहलाता है। वह अरबा अना का पिता था और कालेब ने वहां से शेशई, अहिमन और तलमय नामक अना के तीनों पुत्रों को निकाल दिया। फिर वहां से वह दबीर के निवासियों पर चढ़ गया। पूर्व काल में तो दबीर का नाम किर्यत सपेर था और कालेब ने कहा, जो किर्यत सपेर को मार कर ले ले उससे मैं अपनी बेटी अक्सा का विवाह कर दूंगा। तब काले के भाई उतनील के कंजी ने उसे ले लिया और उसने उससे अपनी बेटी अक्सा का विवाह कर दिया। जब वो उसके पास आई तब उसने उसको पिता से कुछ भूमि मांगने को उभारा, फिर वह अपने गधे पर से उतर पड़ी और कालेब ने उससे पूछा, तू क्या चाहती है? वह बोली, मुझे आशीर्वाद दे
तूने मुझे दक्षिण के देश में की कुछ भूमि तो दी है, मुझे जल के सोते भी दे। तब उसने ऊपर के सोते नीचे के सोते दोनों उसे दिए। यहूदियों के गोत्र का बाग तो उनके कुलों के अनुसार यही ठहरा। यहूदियों के गोत्र के किनारे वाले नगर दक्षिण देश में एदोम की सीमा की ओर ये हैं, अर्थात कब्जेल, एदेर यागूर, किना, दिमोना, अदादा, केदेश, हासोर, इतनान, जीप, तेलेम, बालोद, हासोर हर्ग दत्था, करियो तेस्रोन जो आसोर भी कहलाता है, और अमाम, शमा, मुलादा, हसगरदा, हेशमोन, बेतपालेद, अस्रवाल, बेरशेवा, बिज्योतिया, बाला, एईम, एसेम, एल्तोलत, कसील, होरमा, सिकलग, मदमन्ना, सनसन्ना, लबोहोत, सिलहीम, एन और रिमोन, ये सब नगर 29 है और इनके गांव भी है। नीचे के देश में ये हैं, अर्थात यस्ताओल, सोरा, अश्ना, जानो, यिन गन्नीम, तपू, एनाम, यरमूत, अदुलाम, सोको, अजेका, शारेम, अदिताइम, गदेरा और गदेरा तैम, ये सब 14 नगर हैं और उनके गांव भी है। फिर सनान, अदाशा, मिगदल घात, दिलान, मिसपे, योक्तेल, लाकीश, बोस्कत, एगलोन, गबोन, लहमास, कितलीश, गदेरोत, बेदाहोन, नामा और मकेदा, ये 16 नगर हैं और उनके गांव भी है। फिर लिबना, येतेर, आशान, इप्ताग, अशाना, नसीब, कीला, अकजीब और मोशा, ये 9 नगर है और उनके गांव भी है। फिर नगरों और गांवों समेत एक्रोन और एक्रोन से लेकर समुद्र तक अपने अपने गांवों समेत जितने नगर अश्दोद की ओर है। फिर अपने अपने नगरों और गांवों समेत अश्दोद और अज्जा वरन मिस्र के नाले तक और महासमुद्र के तट तक जितने नगर हैं। पहाड़ी देश में ये हैं, अर्थात शामीर, यतीर, सोको, दन्ना, किरियत सन्ना जो दबीर भी कहलाता है, अनाब, एस्तमो, आनीम, गोशेन, होलोन और गीलो, ये 11 नगर हैं और उनके गांव भी है। फिर अराब, दुमा, ऐशान, यानीम, बेतपू, अपेका, हुमता, किरियत अरबा जो इब्रोन भी कहलाता है और सियोर, ये 9 नगर हैं और उनके गांव भी है। फिर माओन, कर्मेल, जीब, यूता, इज्रेल, योकथाम, जानो, कैन, गिबा और तिमना, ये 10 नगर हैं और उनके गांव में हैं। फिर हलहूल, बेतसूर, गधोर, मरात, बेतनोत और एलतखोन, ये 6 नगर हैं और उनके गांव भी है। फिर किरियत बाल जो किरियत यारिम भी कहलाता है और रब्बा, ये 2 नगर हैं और उनके गांव भी है। जंगल में ये नगर हैं, अर्थात बेतराबा, मिधीन, सकाखा, निबशान, लोन वाला नगर और एनगदी, ये 6 नगर हैं उनके गांव भी है। यरूशलेम के निवासी यबूसियों को यहूदी न निकल सके, इसलिए आज के दिन तक यबूसी यहूदियों के संग यरूशलेम में रहते हैं। पहला क्रंथी 3 अध्याय। हे भाइयों, मैं तुमसे इस रीति से बात न कर सका जैसे आत्मिक लोगों से, परंतु जैसे शारीरिक लोगों से और उनसे जो मसीह में बालक हैं। मैंने तुम्हें दूध पिलाया, अन्न न खिलाया, क्योंकि तुम उसको नहीं खा सकते थे, वरन अब तक भी नहीं खा सकते हो, क्योंकि अब तक शारीरिक हो। इसलिए कि जब तुम्हें दाग और झगड़ा है तो क्या तुम शारीरिक नहीं, और क्या मनुष्य की रीति पर नहीं चलते? क्योंकि जब एक कहता है मैं पौलुस का हूं और दूसरा मैं अपोलोस का हूं, तो क्या तुम मनुष्य नहीं? अपोलोस क्या है और पौलुस क्या है?
केवल सेवक जिनके द्वारा तुमने विश्वास किया, जैसा हर एक को प्रभु ने दिया। मैंने लगाया, अपुल्लोस ने सींचा, पर तो परमेश्वर ने बढ़ाया। इसलिए न तो लगाने वाला कुछ है और न सींचने वाला, पर तो परमेश्वर ही सब कुछ है जो बढ़ाने वाला है। लगाने वाला और सींचने वाला दोनों एक है, पर तो हर एक व्यक्ति अपने ही परिश्रम के अनुसार अपने ही मजदूरी पाएगा, क्योंकि हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं। तुम परमेश्वर की खेती और परमेश्वर की रचना हो। परमेश्वर के उस अनुग्रह के अनुसार जो मुझे दिया गया, मैंने बुद्धिमान राजमिस्त्री के समान नींव डाली और दूसरा उस पर रद्दा रखता है। पर तो हर एक मनुष्य चौकस रहे कि वह उस पर कैसा रद्दा रखता है, क्योंकि उस नींव को छोड़ जो पड़ी है और वह यीशु मसीह है, कोई दूसरे नींव नहीं डाल सकता। यदि कोई इस नींव पर सोना या चांदी या बहुमूल्य पत्थर या खाट या घास या फूस का रद्दा रखे, तो हर एक का काम प्रकट हो जाएगा, क्योंकि वह दिन उसे बताएगा, इसलिए कि आग के साथ प्रकट होगा और वह आग हर एक का काम परखेगी कि कैसा है। जिसका काम उस पर बना हुआ स्थिर रहेगा वह मजदूरी पाएगा। यदि किसी का काम जल जाएगा तो वह हानि उठाएगा, पर वह आप बच जाएगा, पर तो जलते जलते। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम हो। कोई अपने आप को धोखा न दे। यदि तुम में से कोई संसार में अपने आप को ज्ञानी समझे तो मूर्ख बने कि ज्ञानी हो जाए, क्योंकि संसार का ज्ञान परमेश्वर के निकट मूर्खता है। जैसा लिखा है, वह ज्ञानियों को उनकी चतुराई में फंसा देता है, और फिर प्रभु ज्ञानियों के विचारों को जानता है कि वे व्यर्थ है। इसलिए मनुष्य पर कोई घमंड न करे, क्योंकि सब कुछ तुम्हारा है। क्या पौलुस, क्या अपुल्लोस, क्या कैफा, क्या जगत, क्या जीवन, क्या मरण, क्या वर्तमान, क्या भविष्य, सब कुछ तुम्हारा है और तुम मसीह के हो और मसीह परमेश्वर का है। आज प्रार्थना के लिए विलाप गीत 5 अध्याय पढ़ेंगे। ये यहोवा, स्मरण करके हम पर क्या क्या बीता है, हमारी ओर दृष्टि करके हमारी नाम धराई को देख। हमारा बाग परदेशियों का हो गया और हमारे घर परायों के हो गए हैं। हम अनाथ और पिताहीन हो गए हैं, हमारी माताएं विधवासी हो गई है। हम मोल लेकर पानी पीते हैं, हमको लकड़ी भी दाम से मिलती है। गदड़ने वाले हमारी गर्दन पर टूट पड़े हैं, हम थक गए हैं, हमें विश्राम नहीं मिलता। हम स्वयं मिस्र के अधीन हो गए और अशुर के भी, ताकि पेट भर सके। हमारे पुरखाओं ने पाप किया और मर मिटे हैं, पर तो उनके अधर्म के कामों का भार हमको उठाना पड़ा है। हमारे ऊपर दास अधिकार रखते हैं, उनके हाथ से कोई हमें नहीं छुड़ाता। जंगल में की तलवार के कारण हम अपने प्राण जोखिम में डालकर भोजन वस्तु ले आते हैं। भूख की जुलसाने वाली आग के कारण हमारा चमड़ा तंदूर के समान काला हो गया है। सियोन में स्त्रियां और यहूदा के नगरों में कुमारियां भ्रष्ट की गई है। हाकिम हाथ के बल तांगे गए हैं और पुरनियों का कुछ भी आदर नहीं किया गया। जवानों को चक्की चलानी पड़ती है और बाल बच्चे लकड़ी का बोझ उठाते हुए लड़खड़ाते हैं। अब फाटक पर पुरनिये नहीं बैठते, न जवानों का गीत सुनाई पड़ता है। हमारे मन का अर्श जाता रहा, हमारा नाचना विलाप में बदल गया है। हमारे सिर पर का मुकुट गिर पड़ा है। हम पर हाय, क्योंकि हमने पाप किया है, इस कारण हमारा हृदय निर्बल हो गया है। इन्हीं बातों से हमारी आंखें धुंधली पड़ गई है, क्योंकि सियोन पर्वत उजाड़ पड़ा है, उसमें सियार घूमते हैं। परंतु हे यहोवा, तू तो सदा तक विराजमान रहेगा, तेरा राज्य पीढ़ी पीढ़ी बना रहेगा। तूने क्यों हमको सदा के लिए बुला दिया है?
और क्यों बहुत काल के लिए हमें छोड़ दिया है ये यहोवा, हमको अपनी ओर फेर, तब हम फिर सुधर जाएंगे। प्राचीन काल के समान हमारे दिन बदल कर ज्यों के त्यों कर दे। क्या तूने हमें बिल्कुल त्याग दिया है? क्या तू हमसे अत्यंत क्रोधित है? 21 वचन पढ़ता हूं, ये यहोवा हमको अपनी ओर फेर, तब हम फिर सुधर जाएंगे। प्राचीन काल के समान हमारे दिन बदल कर ज्यों का त्यों कर दे। हम सुधर जाएंगे, हमारा जीवन ज्यों का त्यों हो जाएगा। आइए प्रार्थना करें। प्यारे पिता परमेश्वर, हम भी कई तरह के तकलीफों के बीच में, संकट के बीच में से, दुखों के बीच में से होकर गुजर रहे हैं प्रभु। हर दिन कुछ न कुछ तो हानि, कुछ न कुछ तो हाय हम पर आ जाता है प्रभु, लेकिन ये वचन के अनुसार तू हमें अपनी ओर फेर ले, तेरे ओर घुमा ले प्रभु, और हमारे जीवन को सुधार दे। हमें सुधार देना है, सुधारना है, हमारे गलत कामों से सुधारना है, बुराई से सुधारना है, ताकि तू हमारे जीवन को फिर से ज्यों का त्यों बनाए, खुशी का जीवन, आनंद का जीवन, भरपूरी का जीवन ऐसे बदल दे प्रभु। आज वचन सुनने वाले सबों के जीवन ऐसे हरियाली होने दे। यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता, आमेन और आमेन। परमेश्वर आपको आशीष करे। गॉड ब्लेस यू। आमेन आमेन।